किया, इसलिए मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब वो समय दूर नहीं है जो भाषण आपने सुने, 3-4 महीने के बाद राजस्थान की जनता को, बीकानेर के लोगों को अपने 5 साल के भविष्य का निर्णय करना है। चुनाव आने वाले हैं और अगर आपको ना मालूम हो तो पता पड़ जाएगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद कार्यक्रम चालू किया है। 4.5 साल तक प्रदेश की जनता, गरीब, किसान, नौजवान, महिला ये कोशिश करते रहे कि कैसे मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, वसुंधरा जी को मिलें, अपनी बात को रखें, अपने दुख बता सकें, समस्या के समाधान की कुछ गुजारिश कर सकें। 4.5 साल तक तो वसुंधरा जी जनता से नहीं मिले। अब उपचुनाव हुए, माहौल बना और पता पड़ा कि बीजेपी की सरकार का बोरिया, बिस्तर, तकिया, कंबल सब बंद होके गंगा जी में जाने वाला है, तो मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद कार्यक्रम चालू किया। भाई 4.5 साल तक आप जनता से नहीं मिली, अब मिलना चाह रही हो तो जनता ने मना कर दिया कि अपने घर पर जाओ, अब यहाँ की दुकान बंद हो गई है। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले जब इस प्रदेश के 7 करोड़ लोगों ने बीजेपी को 163 विधायक जिताकर भेजे थे, पूरा बहुमत दिया था, 3/4 का बहुमत किसको बोलते हैं? वोट देना राज का दिन है। आप में से कितने लोग जाके आज तक या तो जयपुर या बीकानेर मुख्यमंत्री से मिले हो? कभी किसी ने देखा मुख्यमंत्री को मुलाकात? चलो मिली नहीं कोई बात नहीं, भाई व्यस्त रहते हैं, लेकिन कम से कम नौकरी तो मिलेगी आप सब लोगों को, सब नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी भी नहीं दे जाते हैं। ऐसा है, बहुत बड़ा देश है, बहुत मुश्किल होती हैं, तो हो सकता है कि 15 लाख नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन वो 15 लाख रुपए तो जमा हो गए उनके खाते में सब लोगों का, वो भी नहीं हुआ। यार ऐसा है, सरकार चुनी गई है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, मुलाकात नहीं है, तो कम से कम जो फल फूल साग सब्जी तेल इसे दाम तो कम कर दिए पहले से। अब आप मुझे बताओ, ऐसी सरकार और ऐसी मुख्यमंत्री जो ना महंगाई कम करती है, ना अत्याचार कम होते हैं, दलितों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे रोज आक्रमण हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से एक बार नहीं बोलती कि मैं मुख्यमंत्री, मेरी बहन बेटियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बोले तो लोगों के मन में विश्वास पैदा हो, लेकिन वसुंधरा जी को जरूरत ही नहीं। ऐसी मुख्यमंत्री बनी, उनको लगा कि मेरी सारी जनता की वोट मेरी भाई जेल में है, मैं जब मर्जी निकालूंगी। और यही गुरूर उनको था जब अजमेर अलवर के उपचुनाव हुए थे लोकसभा के। साथियों आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन पिछले 40 साल में सत्ताधारी पार्टी पहली बार लोकसभा का उपचुनाव हारी, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है वो अमूमन जीत जाती है, लेकिन जनता की नाराजगी के साथ साथ लोग कांग्रेस को मौका देना चाहते थे। हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने, तमाम नेतागण ने मिलकर इन 4.5 सालों में एक अलग जगाई है, लोगों के दुख सुख में भागीदार रहे हैं, झूठे वादे नहीं किए, डूब गए, जिनका परिवार खत्म हो गया उन लोगों को संबल देना दूर, आर्थिक मदद देना दूर, उन लोगों का हाथ थामने का समय नहीं है। हमें शर्म आती इसी सरकार पर, हम कांग्रेस में या भाजपा में हो कोई बात नहीं, चुनाव आएगा हाजिर होगी, लेकिन जब सरकार बनती है, एक विश्वास आप लोगों ने दिया था, विश्वासघात जनता के साथ किया और झूठे वादे जो किए थे उनको पूरा करना तो दूर, लेकिन हर वर्ग को चुन चुन कर सताने का काम किया। मेरे ख्याल सीकर में मीटिंग करी मुख्यमंत्री जी ने, साल भर पहले कुछ नौजवान आ गए मीटिंग में और कहा मुख्यमंत्री महोदया वो 15 लाख नौकरी की बात करती, नौकरियां कहां हैं? पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर लाठियां मारकर जेल में बंद कर दिया नौजवानों को। आप सवाल पूछो, अधिकार मांगो, नारे लगाओ तो आपको देशद्रोही बोलते हैं। आप पूछो पेट्रोल डीजल 80 रुपए लीटर क्यों बिक रहा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, चाय, शक्कर, पानी, तेल, साबुन, सब्जी, कपड़े सब महंगे क्यों हो रहे हैं,
दुकानदार परेशान, उद्योगपति परेशान, महिलाएं परेशान, आप सवाल पूछो तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, आप सवाल पूछो तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। अरे इस देश को, इस संविधान को, इस लोकतंत्र को, इस प्रजातंत्र को पनपाने का, पोषने का, मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो हमने आपने मिलकर किया है। ये देश, ये लोकतंत्र, ये राज्य किसी एक पार्टी की जेब में नहीं है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए थे, आधे घंटे का भाषण दिया और बहुत लोगों को बहुत सी बातें बोली, लेकिन एक बार नहीं कहा कि इस प्रदेश में लगातार इंकाउंटर क्यों होते हैं, इस प्रदेश में लगातार लोग धरने क्यों दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले पूरे कार्यकाल के अंदर ना सिर्फ सीकर जिले के अंदर की करी है, लेकिन साथियों हर वर्ग को नुकसान पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ आरोप नहीं लगाते, हमारे तमाम नेताओं ने आज भाषण दिया, आपने सुना। इस भारी उमस और गर्मी में जिस अनुशासन से आप लोग यहाँ बिराज रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और कांग्रेस पार्टी के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। हम सब नेताओं की बात आप लोगों ने सुनी, मैं तो आपके बीच में ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि अब समय आ गया, चंद महीनों के बाद जो बदलाव की लहर पूरे राजस्थान में चल रही है, मैं देखना चाहता हूं कि सीकर के अंदर, दौद के अंदर, जहां पर पिछले समय हम लोगों को कामयाबियां नहीं मिली, शेखावटी केस हृदय में, सीकर जिला जो एक बहुत ऐतिहासिक वीर भूमि है, यहां के दौद के मतदाता कितने भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं, ये चुनौती आज आप लोगों के सामने है। पूरे राजस्थान के अंदर पिछले पौने पांच साल तक यहाँ की मुख्यमंत्री जी ने जो शासन इस जनता को दिया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। चाहे यहाँ भाषण देने के लिए मोदी साहब आ जाए या अमित शाह जी आ जाए, उनको पिछले पौने पांच साल के कुशासन का जवाब देना पड़ेगा। जनता पूछना चाहती है, इतना भारी बहुमत दिया था पांच साल पहले, किस उम्मीद के साथ ये सरकार बनी थी, केंद्र में आपकी सरकार बनी थी और पिछले पौने पांच साल में आपने किया तो सिर्फ इतना काम किया कि जयपुर में बैठकर ये देखा कि किस किले में ताला लगाऊं, किस किले पे बुलडोजर चलाऊं, किस भू माफिया को, किस जमीन माफिया को, किस रेत माफिया को, किस शराब माफिया को बढ़ावा दूं। पूरा समय सरकार ने सिर्फ अपने चहितों की जेब भरने का काम किया है। आज वो समय आ गया जब इस प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जवाब मांगेगा, हिसाब मांगेगा। मुझे खुशी है कि आज सब लोग यहाँ पर अपना मतदान का कार्ड लेकर आए हो। ये मतदान, ये चुनाव, यही वो एक समय है जब हम लोग न्याय मांग सकते हैं। वसुंधरा जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, अभी सुभाष नैयर जी ने लंबा भाषण देकर कई बार आप लोगों से सवाल पूछे। आज दिल दुखता है हम लोगों का, इस सरकार के बनने के बाद छोटी छोटी बच्चियों का लगातार बलात्कार हो रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री जो महिला है उनका दिल नहीं पसीसता, अपने मुंह से एक बार तो बोल दे कि मेरे राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि मेरी नाक के नीचे, मेरे शासनकाल में किसी नाबालिग बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ दुष्कर्म नहीं होगा, उत्पीड़न नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा। दोषियों को पकड़ना तो दूर, लोगों के मन में डर लगाना तो दूर, लेकिन अपने मुंह से एक बार भी मुख्यमंत्री ने नहीं बोला कि इस प्रदेश में बलात्कारियों को मैं रहने नहीं दूंगी। आप 1 लाख बीघे के खान आवंटन कर लोगों की जेब भर सकते हो,